हेलो एस्पायरेंट्स, 6 फेब की न्यूज आइटम्स देख लेते हैं। द हिंदू न्यूज़पेपर से ये 12 न्यूज आइटम्स पिकअप की गई है, इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहली न्यूज आइटम है, व्हेन टू एडल्ट्स मैरी नन शुड इंटरफियर। तो ये एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट ने स्टेटमेंट दिया। सुप्रीम कोर्ट के सामने एक PIL पिटीशन फाइल किया गया था बाय दिस NGO, जिन्होंने कहा कि ऑनर किलिंग को स्पेसिफिक क्राइम बनाना चाहिए। ऑनर किलिंग जो होता है, जिसके अंदर अगर को दो लोग शादी करते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट वही कह रही है कि दो एडल्ट्स अगर शादी करना चाहते हैं तो फ्री है, कोई भी थर्ड पार्टी उनको हरास और उनको हार्म नहीं पहुंचा सकता, उनको तकलीफ नहीं दे सकता, उनको कोई दिक्कत नहीं दे सकता, ना पेरेंट्स, ना सोसाइटी, ना खाप, ना कोई तरह की पंचायत। तो ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का स्टेटमेंट है। 3 जज बेंच ये हियरिंग कर रही थी, वो कह उन्होंने कहा कि ये फंडामेंटल राइट है दो लोगों का जो शादी करना चाहते हैं कि वो पीसफुली रह सके। राइट टू लाइफ है उनका, राइट टू लिव विद डिग्निटी। तो एक्चुअली जो काउंसिल पंचायत को रिप्रेजेंट करते हुए स्टेटमेंट आर्ग्यू कर रहे थे, उन्होंने कहा कि पंचायत से एज ओल्ड ट्रेडिशन है, तो वो इंटरकास्ट मैरिजेस एनकरेज करते हैं। मैरिजेस बिटवीन सेम गोत्र एक्चुअली अलाउड नहीं है अंडर हिंदू मैरिज एक्ट ऑफ 1955 टू। तो ये खाप्स जो ऑब्जेक्शन लेते हैं तो वो स्पेसिफिकली अपहेल्ड है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे आर्ग्यूमेंट ये किया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कि ये खाप पंचायत के ऊपर कोई स्टेटमेंट नहीं दिया जा रहा है, इसलिए ऑनर किलिंग्स के ऊपर स्टेटमेंट दिया जा रहा है। काउंसिल ने यह भी कहा कि ओनली 3% ऑनर किलिंग्स गोत्र की वजह से होते, वरना बाकी रिमेनिंग 97% तो रिलीजन और बाकी वजहों से होते। तो जो भी रीजन से होते हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं कि कोई भी इंटरफियर नहीं कर सकता, राइट टू लाइफ को वो कस्टम हो या कुछ भी हो, वो ह्यूमन लाइफ के ऊपर नहीं। तो इसको इवन काउंसिल ने अग्री किया कि ये सही है। तो ये ट्रेडिशन के बारे में नहीं है, पर राइट है जो फंडामेंटल राइट है उसके बारे में जो अपहोल्ड किया गया है। फिर ये इंसिडेंट जो हुए, जैसे 2007 में हरियाणा कोर्ट ने एक्चुअली डेथ सेंटेंस दिया था 5 लोगों को, एक को लाइफ इम्प्रिजनमेंट, क्योंकि उन्होंने एक कपल का मर्डर कर दिया। तो ये एक्चुअली सेल्फ स्टाइल्ड खाप पंचायत ने ऑर्डर दिया था कि सोसाइटी के नॉर्म्स के अगेंस्ट उन्होंने शादी की तो उनको मार दिया जाए, तो इसके में डेथ सेंटेंस अवार्ड किया गया 2017 में। तो ये खाप पंचायत का एक एग्जाम्पल है। 2014 में यूपी में कम्युनिटी पंचायत ने ऑर्डर दिया कि गर्ल्स जीन्स ना पहने, मोबाइल फोन्स ना यूज करें, क्योंकि इसकी वजह से सेक्सुअल हरासमेंट होते हैं। तो ऐसे रूलिंग्स पंचायत देती है। 2015 में भी एक खाप पंचायत राजस्थान में उन्होंने ऑर्डर दिया कि एक वुमेन को उस एक आदमी के साथ रहना होगा क्योंकि उसकी बीवी उसके हस्बैंड के साथ भागते। तो ऐसे रूलिंग्स इलीगल है, कोई भी पंचायत का कोई भी पर्सन की लाइफ के ऊपर पावर नहीं है। फिर अगला है, मालदीव्स प्रेसिडेंट डिक्लेयर्स इमरजेंसी, फॉर्मर लीडर अरेस्टेड। तो मालदीव्स में जो पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस चल रही है, इसके बारे में हमने कल भी बात की थी, तो आज ये एस्केलेट हुआ है और इंक्रीज हुआ है। मालदीव्स गवर्नमेंट ने अब स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर किए 15 दिन के लिए। तो प्रेजेंट प्रेसिडेंट जो है अब्दुल्ला यमीन, इन्होंने फॉर्मर प्रेसिडेंट मोमून अब्दुल गयूम, इनको अरेस्ट कर दिया है। ये एक्चुअली इनके हाफ ब्रदर है, लेकिन इन्होंने अपोजिशन के साथ साइड किया था और ये प्रेसिडेंट अब्दुल्ला यमीन को गवर्नमेंट को गिराना चाहते थे। मोमून अब्दुल गयूम ये फॉर्मर प्रेसिडेंट है मालदीव्स के, जो 30 इयर्स तक उन्होंने राज किया था। तब फाइनली जब कंट्री का फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुआ 2008 में, तब उन्होंने स्टेप डाउन किए। तो 2008 में जो इलेक्शन हुए, तब फर्स्ट डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्रेसिडेंट आए थे, वो है मोहम्मद नशीद, जो अभी एग्जाइल में है। और ये सारा जो पॉलिटिकल क्राइसिस है, ये शुरू हुआ क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक रूलिंग दी जिसमें उन्होंने 12 MPs को फिर से अपनी सीट दे दी, उनके अगेंस्ट चार्जेस जो थे वो हटा दिए, और वो यमीन प्रेसिडेंट अब्दुल्ला यमीन की पार्टी के थे, तो उन्होंने डिफेक्ट किया था। तो अब सिंस उनकी सीट रिस्टोर हो गई, तो अपोजिशन के पास मेजोरिटी आ रही थी पार्लियामेंट में, तो प्रेसिडेंट अब्दुल्ला यमीन इम्पीच भी हो सकते थे, इसलिए उन्होंने अब स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी है। एक्चुअली इवन अगर इमरजेंसी डिक्लेयर करनी है मालदीव में, तो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट है कि प्रेसिडेंट को पार्लियामेंट को इन्फॉर्म करना होगा इसके बारे में विद इन 2 डेज, बट पार्लियामेंट तो अभी सस्पेंडेड है इंडेफिनेटली, ऑलरेडी पार्लियामेंट सस्पेंड कर दी गई है। इवन हैविली आर्म्ड फोर्सेस सुप्रीम कोर्ट में भी एंटर कर गए थे, तो इवन उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को भी पूरा घेर लिया। ये सारे डेवलपमेंट्स है अब इन मालदीव्स। फिर अगला है, कासगंज क्लैशेस ऑर्केस्ट्रेटेड, यूपी पुलिस रोल पार्टिसिपेट।
तो ये एक्चुअली फैक्ट फाइंडिंग टीम ऑफ एक्टिविस्ट है जिन्होंने कहा कि जो वायलेंस कासगंज में हुआ था यूपी में, यहाँ पे रिपब्लिक डे के दिन ऑन 26 जनवरी, ये कोई स्पॉन्टेनियस इंसिडेंट नहीं था, मतलब वहीं पे हुआ नहीं था, ये प्लान किया गया था और इसका मकसद था कि कम्युनिटीज के बीच में हेट्रेड ग्रो करना। तो यहाँ पे ये इन्होंने यूनाइटेड अगेंस्ट हेट का बैनर देके ये रिपोर्ट रिलीज की जिसमें वो कहते हैं कि यूपी पुलिस ने यहाँ पे नाइंसाफी की है, उन्होंने स्पेसिफिकली माइनॉरिटी कम्युनिटी को टारगेट किया। तो पूरा केस स्टार्ट हुआ था एक बाइक रैली से, तो थोड़े यूज यहाँ बाइक रैली जो लेके जा रहे थे 26 जनवरी को, तो उसके ऊपर यहाँ पे वायलेंस हुआ। तो ये कहा जा रहा है कि मॉब जो संकल्प फाउंडेशन और एबीवीपी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लोग इसको जो लीड कर रहे थे, इन्होंने यहाँ पे ऑर्गेनाइज्ड वायलेंस किया, मुस्लिम ओन्ड शॉप्स को स्पेसिफिकली टारगेट किया गया, इवन मॉस्क्स को अटैक किया गया, लेकिन पुलिस ने एफआईआर में इसके बारे में कुछ जिक्र नहीं किया। तो ये जो बायस रोल है यूपी पुलिस का वो भी उन्होंने हाईलाइट किया। फिर अगला है बैटल फॉर रसगुल्ला रीचेज ओडिशा कोर्ट। तो एक पीआईएल पटिशन फाइल किया गया है ओडिशा हाई कोर्ट में, जिसमें वो क्लेम कर रहे हैं कि जो रसगुल्ला का जीआई टैग, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग, वेस्ट बंगाल को अलोकेट किया गया 2 महीने पहले, ये भी हमने न्यूज में तभी भी डिस्कस किया था। तो यहाँ पे वो क्लेम कर रहे हैं कि ये उनको जीआई टैग नहीं मिलना चाहिए, ओडिशा को मिलना चाहिए। तो ओडिशा हाई कोर्ट स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्ट करे कि वो ये इनिशिएटिव ले कि अपना क्लेम रखे जीआई टैग के लिए, क्योंकि रसगुल्ला वो कहते हैं ये जगन्नाथ टेम्पल जो है ओडिशा की, उसके कल्चर के साथ एसोसिएटेड है, यहाँ प्रसाद दिया जाता है पिछले 400 साल से ज्यादा टाइम से, लेकिन रसगुल्ला का वही ओरिजिन डिस्प्यूटेड है बिटवीन ओडिशा एंड वेस्ट बंगाल। फिर अगला है मेडन वॉयज आईएनएसवी तरिनी लीव्स फॉर केप टाउन। तो ये है इंडियन नेवल सेलिंग वेसल आईएनएसवी तरिनी, तो ये कई बार न्यूज में हमने पहले भी डिस्कस किया, ये ऑल वुमेन क्रू वेसल है, ऑल वुमेन है यहाँ पे, जो पूरे ग्लोब को, अर्थ को सर्कल करना चाहते हैं, मतलब सर्कम नेविगेट, मतलब पूरा एक चक्कर लेना चाहते हैं अर्थ का। तो ये वेसल जो है ये इनिशिएट हुआ इनका जर्नी फ्रॉम इंडिया गोवा से, यहाँ से आप देख सकते हैं फर्स्ट लेग इनमें ये ऑस्ट्रेलिया पहुंचे यहाँ फ्रीमेंटल, सेकेंड लेग स्टार्ट हुआ, उसके बाद ये थर्ड लेग में यहाँ फॉकलैंड आइलैंड पहुंचे बिलो साउथ अमेरिका, इसके बाद ये केप टाउन पहुंचेगी फोर्थ लेग में, बाद फिफ्थ लेग में फिर से इंडिया पहुंच के पूरा चक्कर कंप्लीट करेंगे। तो ये नाविका सागर परिक्रमा कहा जा रहा है, ये फर्स्ट टाइम है कि ऑल वुमेन क्रू इंडिया से ये वॉयज कर रहे हैं सर्कम नेविगेशन। तो फिलहाल जो न्यूज है वो ये है कि थर्ड लेग अब कंप्लीट हुआ और वो अभी केप टाउन पहुंचेगे आगे। फिर अगला है वेहिक्यूलर पॉल्यूशन टू इम्पैक्ट जनरेशन सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वेहिक्यूलर पॉल्यूशन बहुत सीरियस मैटर है, ये सिर्फ प्रेजेंट जनरेशन नहीं पर आने वाली जनरेशन को भी अफेक्ट करेगा, जो लोग बच्चे अब पैदा नहीं हुए उनके ऊपर भी असर होगा पॉल्यूशन का। तो इसलिए उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस को कहा है कि आप एफिडेविट फाइल करें कि क्या पोजिशन है, कितना क्या वो एंश्योर कर सकते हैं कि भारत स्टेज 6 BS6 एमिशन स्टैंडर्ड कम्प्लायंट फ्यूल अवेलेबल होगा दिल्ली में कब तक। तो ये अवेलेबिलिटी के बारे में, क्योंकि ये एनफोर्स होने है BS6 एमिशन स्टैंडर्ड्स एनफोर्स होने ऑल ओवर इंडिया फ्रॉम 1 अप्रैल 2020। तो ये दिल्ली में इनिशिएट करना चाहिए, इसके लिए स्टेप्स लिए जा रहे हैं। हमने पहले भी डिस्कस किया कई बार BS6 एमिशन स्टैंडर्ड्स हम एनफोर्स कर रहे हैं फ्रॉम BS4, हमने BS5 स्टैंडर्ड्स को स्किप किया है। तो BS4 से कंपेयर्ड अगर आप देखें BS6 स्टैंडर्ड्स, तो पॉल्यूशन 80% से कम होने की पॉसिबिलिटीज है। तो ये है, इवन सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज भी अपना रिपोर्ट दे कि क्या उन्होंने कोई स्टडी कंडक्ट की है एनवायरमेंटल पॉल्यूशन के ऊपर, कि उसका क्या असर होता है लोगों की हेल्थ पे और कैसे उसको डील करना चाहिए और क्या कॉस्ट है उसको डील करने के लिए। तो इसके ऊपर गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने कहा ऐसी स्टडी हो रही है और कोर्ट को डिटेल्स पेश की जाएगी। तो ये इवन BS4 टू BS6 लेवल्स का कंपैरिजन दिया गया कि कैसे जो प्राइम पॉल्यूटेंट्स है पार्टिकुलेट मैटर 2.5 नाइट्रस ऑक्साइड सल्फर कार्बन कंपाउंड्स, उनके लेवल्स लिमिट्स क्या है अंडर BS4 एंड BS6। तो BS6 में काफी लो लेवल्स रिडक्शन काफी ज्यादा होगा इन सब पॉल्यूटेंट्स का। तो ये यहाँ पे भी दिखाया गया पार्टिकुलेट मैटर नाइट्रस ऑक्साइड नॉर्म्स कैसे BS1 भारत स्टेज 1 से लेके भारत स्टेज 6 तक कितने कम हो रहे।
फोर टू सिक्स का भी आप कंपेरिजन देखो तो नाइट्रस ऑक्साइड में भी यहाँ पे काफी कम हो जाते हैं लिमिट्स, लिमिट लो है मतलब स्टैंडर्ड्स हाई है। तो इवन BS4 टू BS6 होने के लिए फ्यूल भी कंप्लायंट होना चाहिए और व्हीकल भी कंप्लायंट होनी चाहिए, और व्हीकल इंजन को कंप्लायंट करने के लिए जो है BS6 नॉर्म्स के लिए तो इनको दो चीजें चाहिए कि एक है डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर और दूसरा है सिलेक्टिव कैटलाइटिक रिडक्शन टेक्नोलॉजी, तो दोनों इंस्टॉल करने होंगे व्हीकल्स में ताकि वो BS6 नॉर्म्स को फॉलो कर सके। तो यही याद दिया गया है कि BS5 स्किप किया गया, BS6 1 अप्रैल 2020 से एप्लीकेबल है। और ये वही भरत स्टेज और पोल्यूटेंट लिमिट्स यहाँ दिखाए गए कंपैरिजन। फिर अगला है JNK आस्क सेंटर टू अडॉप्ट अटल डॉक्ट्रिन। तो हम देख रहे हैं रिसेंटली के लाइन ऑफ कंट्रोल पे क्रॉस फायरिंग्स हो रही है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो यहाँ जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को कह रही है कि जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी ने जो डॉक्ट्रिन लाया था कि पाकिस्तान के साथ टेंशन कैसे कम किए जाए, तो उन्होंने रिकंसिलिएशन डायलॉग को हाईलाइट किया था। तो ये प्रोसेस जो उन्होंने इनिशिएट किया था 2003 में, तो उसको अडॉप्ट करना चाहिए, बाय सेंट्रल गवर्नमेंट को अडॉप्ट करना चाहिए ताकि पीस फिर से लाया जा सके जम्मू एंड कश्मीर में, बॉर्डर्स और मेनलैंड जम्मू एंड कश्मीर में यहाँ पे पीस लाया जाए। तो ये जम्मू एंड कश्मीर स्टेट गवर्नमेंट डिमांड कर रही है। फिर अगला है चाइना टू प्रोब US सोरघम सब्सिडीज। तो चाइना ने एंटी डंपिंग इन्वेस्टिगेशन इनिशिएट किया है, जो सोरघम क्रॉप है ये जो इंपोर्ट किया जाता है US से चाइना में, तो इसके ऊपर एंटी डंपिंग इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। डंपिंग मतलब काफी लो प्राइस पे, इवन कॉस्ट प्राइस से कम प्राइस में ये बेचा जा रहा है चाइना को, ये इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होगा। तो एक्चुअली सोरघम वही चाइना कह रही है कि इसके कल्टीवेशन के लिए US गवर्नमेंट फार्मर्स को काफी सब्सिडीज देती है, तो ये उनका कॉस्ट प्राइस से भी कम प्राइस में वो यहाँ बेच रहे हैं। तो ये चाइना काफी ज्यादा सोरघम इम्पोर्ट करती है, इवन 2017 में चाइना ने 4.8 मिलियन टन सोरघम इम्पोर्ट किया US से, तो इसका वैल्यू है ऑलमोस्ट $1 बिलियन। इवन सोयाबीन भी काफी इम्पोर्ट किया जाता है, $14 बिलियन US सोयाबीन इम्पोर्ट किया गया था चाइना में। तो एक्चुअली ये टिट फॉर टैट कहा जा रहा है कि जो US ने किया अब चाइना भी वही कर रही है ट्रेड वॉर में। तो US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प ने थोड़े हफ्तों पहले जो इंपोर्ट ड्यूटीज है चाइनीज गुड्स पे उसको बढ़ा दिया था, तो अब उसी में ये चाइना ने भी इनिशिएटिव लिया है। तो चाइना US का लार्जेस्ट बायर है सोरघम और सोयाबीन क्रॉप्स का, तो ये उन्होंने इनिशिएटिव लिया है और ये सेल्फ इनिशिएटिव है, मतलब गवर्नमेंट ने खुद ये इन्वेस्टिगेशन इनिशिएट किया डंपिंग के ऊपर, कोई रिक्वेस्ट इंडस्ट्री से नहीं आया था। जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने भी खुद ही इनिशिएटिव लिया ट्रेड केसेस में, और चाइना के एल्यूमिनियम शीट इंपोर्ट्स पे उन्होंने भी ये रिस्ट्रिक्शंस डाले, तो वैसे ही अब चाइना भी वही कर रही है। फिर अगला है फॉलोइंग रशिया द US इज मूविंग टू फोर्टिफाई इट्स न्यूक्लियर आर्सेनल। तो एक्चुअली US अब कह रही है कि जैसे रशिया अपना न्यूक्लियर आर्सेनल इम्प्रूव कर रही है वैसे US को भी करना चाहिए। एक्चुअली US और रशिया के बीच में 2010 में एक अग्रीमेंट हुआ था, इसको एक्चुअली स्टार्ट जो ट्रीटी है न्यू स्टार्ट है ये, तो स्टार्ट है स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी के, दोनों कंट्रीज के पास काफी आर्म्स है। तो ये स्टार्ट वन जो ट्रीटी थी, फर्स्ट स्टार्ट ट्रीटी थी स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी, तो ये 1991 में US और फॉर्मर सोवियत यूनियन ने साइन किया था। तो ये उसके बाद रिडक्शंस किए गए एक्टिव वॉरहेड्स में। अब जो लेटेस्ट स्टार्ट ट्रीटी है वो है न्यू स्टार्ट, जो फॉर्मर US प्रेसिडेंट बराक ओबामा रशिया के बीच में हुई थी 2010 में, और इसको 8 साल बाद अब 2018 में फेब 2018 में इसको फुल्ली एनफोर्स किया जा रहा है। तो इसके अंदर भी वही प्रोविजंस है कि इसके जो आर्म्ड आर्म्स है वॉरहेड्स है डिप्लॉयबल वेपन्स उन पे लिमिट्स लाया गया है। तो ये इसकी लिमिट है कि 1500 डिप्लॉयबल वेपन्स हो सकते हैं मैक्सिमम। तो ये ट्रीटी 2018 में अब इफेक्टिव हो रही है और इसको ये एक्सपायर होगी 2021 में, तो इसको रिव्यू करके रिन्यू किया जा सकता है। पर जो रिसेंटली US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प ने जो न्यूक्लियर पोस्चर रिव्यू एडमिनिस्ट्रेशन ने जो न्यूक्लियर पोस्चर रिव्यू लाया है, तो उससे पता चलता है कि ये ट्रीटी रिव्यू होने के चांसेस काफी कम है, क्योंकि इस रिव्यू में उन्होंने कहा है कि रशिया अपने फोर्सेस काफी मॉडर्नाइज कर रही है, तो हमको भी वही करना है इवन स्टेइंग विद इन द ट्रीटी लिमिट्स, कि हमको न्यूक्लियर वेपन्स इंक्रीज नहीं करने, नंबर ऑफ वेपन्स इंक्रीज नहीं किए जाएंगे।
लेस नंबर ऑफ वेपन्स हो गए पर हम बेटर टैक्टिक्स नई नई टैक्टिक्स और टेक्नोलॉजीज यूज करके रशिया को बीट करेंगे. तो ये न्यू काइंड ऑफ न्यूक्लियर आर्म्स रेस वो इनिशिएट कर रहे हैं. तो इसमें काफी रशिया के बारे में मेंशन किया गया था इस न्यूक्लियर पोस्चर रिव्यू में कि कैसे रशिया ने एक नया बना रही है ये ऑटोनोमस न्यूक्लियर टॉर्पिडो. तो ये न्यूक्लियर टॉर्पिडो होगा जो पैसिफिक ओशन क्रॉस कर सकता है विदाउट गेटिंग डिटेक्टेड, वो डिटेक्ट किए हुए बगैर, मतलब उसको उसको पकड़े बगैर. और ये रेडियो एक्टिविटी यहाँ पे फैला सकता है जिससे पूरा वेस्ट कोस्ट का काफी हिस्सा अनइनहैबिटेबल हो जाएगा, वहां लोग रह नहीं पाएंगे. तो ये जो टॉर्पिडो है रशिया का, इसको कैनियन नाम दिया जा रहा है. ये लीक्ड रशियन डॉक्यूमेंट्स इसके बारे में डिटेल्स मिली है, जिसको रशिया में ओशन मल्टीपर्पज सिस्टम स्टेटस 6 कहा जा रहा है. ये वेरी लॉन्ग रेंज ऑटोनॉमस अंडरवाटर व्हीकल है. इसका रेंज है 10,000 किलोमीटर और इसका पेलोड ये कैरी कर सकता है 100 मेगाटन थर्मोन्यूक्लियर वेपन. तो इसके बारे में भी ये न्यूक्लियर पोस्चर रिव्यू में यूएस में मेंशन किया गया है. और इस आर्म्स रेस को, न्यूक्लियर आर्म्स रेस को अब हवा दी जा रही है. ये है इवन ये टॉर्पिडो के डिटेल्स दिए गए हैं जो रशिया डेवलप करे कैनियन. तो ये 100 मेगाटन थर्मोन्यूक्लियर वेपन होगा इसका वॉरहेड. फिर अगला है ईयू एक्सपांशन प्लान. तो यूरोपियन कमीशन अब पेपर पब्लिश करने वाली है जिसके अंदर वो डिटेल्स देंगे कि जो नए मेंबर्स है, 6 नए मेंबर्स बन सकते हैं ईयू के बाय 2025. इवन माइग्रेशन को टाइटन करना है, उनको रशियन इन्फ्लुएंस को काउंटर करना है, पर उसके अलावा ये न्यू मेंबरशिप भी आएगी उसको हाईलाइट किया जा रहा है. इवन ब्रिटेन छोड़ देगी यूरोपियन यूनियन, उनका डेट ब्रेग्जिट जो हो रहा है, तो बाय ऑन 29 मार्च 2019 ब्रिटेन एक्सपेक्टेड है इट विल लीव ईयू. और दो कंट्रीज है नॉर्वे और स्विट्जरलैंड, यू शुड नो ये दो कंट्रीज ईयू की मेंबर्स नहीं है, नॉर्वे एंड स्विट्जरलैंड. और यहाँ पे जो कंट्रीज है ये यूगोस्लाविया जो कंट्री थी उसके कोलैप्स के बाद ये नई कंट्रीज जो बनी है, तो इनको ईयू का मेंबर अब बनाने के लिए स्टेप्स लिए जाएंगे. तो ये प्रोसीजर इनिशिएट भी किया गया है. और ये सारी कंट्रीज बॉस्निया, सर्बिया, मॉन्टेनिग्रो, कोसोवो, अल्बेनिया और मैसेडोनिया इवेंचुअली ईयू के मेंबर्स बनेगी एक्सपेक्टेड है. तो पूरा प्लान लेट डाउन किया गया है. तो ये 6 कंट्रीज की भी डिटेल्स दी गई है कि कैसे इन्होंने ईयू के मेंबर बन सकती है और क्या स्टेज पे. फिर अगला है बिटकॉइन पीओएस मेकर आईज इंडिया एंट्री. तो ये जकार्ता बेस्ड कंपनी है पुंडी एक्स. तो ये क्रिप्टो करेंसी पॉइंट ऑफ सेल डिवाइसेस बनाती है और ये इंडिया में लाना चाहती है. ये क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर ऑलरेडी बजट में भी रिसेंटली स्टेटमेंट आया, गवर्नमेंट ने कहा कि क्रिप्टो करेंसीज इंडिया में लीगल टेंडर नहीं है. आरबीआई ने भी कई बार वार्निंग्स दी है कि ये लीगल टेंडर नहीं है, फिर भी ये इनिशिएटिव वो ले रही है. तो ये जो पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस है ये सारी मेजर क्रिप्टो करेंसीज सपोर्ट करेगी जैसे कि बिटकॉइन, लाइटकॉइन एंड इथेरियम. तो ये जो है इसके आइडिया ये है पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस का कि आप क्रिप्टो करेंसीज को डे टू डे ट्रांजेक्शन में यूज कर सके. तो ये सिमिलर टू डेबिट कार्ड ऐसे ये पास कार्ड दिया जाएगा फॉर ऑफ दिस पुंडी एक्स पास कार्ड होगा. तो इसको ट्रांजेक्शन में यूज किया जा सकता है, ट्रांजेक्शन भले रुपीज में ही हो, एसेट जो एक्सचेंज होगा वो बिटकॉइन हो गए. तो इस तरह से वो ना फंक्शन करना चाहते कि ना विल वेट एंड वॉच के गवर्नमेंट क्या इसको अलाउ करती है और ये पॉसिबल होगा कि ये पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस इंडिया में आए. फिर लास्ट न्यूज आइटम है गूगल अनवील सिक्योरिटी कैंपेन टू प्रोटेक्ट यूजर्स फ्रॉम साइबर बुलिंग फ्रॉड. तो गूगल ने एक प्रोग्राम इनिशिएट किया है हैशटैग सिक्योरिटी चेक किया. तो ये एक्चुअली इनिशिएटिव लिया गया है कि इंडिया में पब्लिक सेफ्टी लाया जाए, लोगों को इंटरनेट सेफ्टी के बारे में अवेयरनेस दी जाए, जो नए यूजर्स है स्पेशली जो यंग और फर्स्ट टाइम यूजर्स है तो उनको प्रोटेक्ट किया जाए, उनके अकाउंट हाईजैक ना हो इससे. तो जो एंड्रॉयड है ऑपरेटिंग सिस्टम, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, ये गूगल का ऑपरेटिंग सिस्टम है, ओपन सोर्स है. तो ये गूगल मोबाइल डिवाइसेस को आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम एप्स जो सिक्योर नहीं है, अपना डेटा सिक्योर कर सकते हैं पर्सनल डेटा. तो गूगल ने गूगल प्ले प्रोटेक्ट सर्विस इनिशिएट किया जो पूरा एंड्रॉइड डिवाइस स्कैन कर सकती है और हार्मफुल एप्स के बारे में डिटेल्स प्रोवाइड कर सकती है विद इन मिनट्स. तो इससे वल्नरेबिलिटी सामने आएगी और उसको सिक्योरिटी चेक कर सकते हैं. तो गूगल सिक्योरिटी चेक उन्होंने लॉन्च किया है. इवन फाइंड माई डिवाइस करके एक ऐप है गूगल का जिसके थ्रू आप अपना लॉस्ट
एंड्रॉयड डिवाइस आप इजीली लोकेट कर सकते हैं और अपना इंफॉर्मेशन और डिवाइस सिक्योर रख सकते हैं। और भी इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं गूगल, क्योंकि ये सब सिक्योरिटी चेक्स वगैरह इम्पोर्टेंट है, क्योंकि काफी इंजीनियरिंग सोशल इंजीनियरिंग अब्यूजेस होते हैं, मतलब सोशल जो है जैसे कि लॉटरी, जॉब स्कैम्स, ये सब जिसके बारे में न्यूज में आते हैं, तो ये इनसे भी प्रोटेक्ट करने के लिए स्टेप्स लिए जाएंगे। वुमेन और किड्स स्पेसिफिकली साइबर बुलिंग के विक्टिम्स बन जाते हैं, इंटरनेट ट्रोलिंग के विक्टिम्स बन जाते हैं, तो उनके लिए भी स्टेप्स लिए जाएंगे। तो ये गूगल ने इनिशिएटिव इंडिया में लेगी, तो ये इंडिया इम्पोर्टेंट है क्योंकि इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट इंटरनेट यूजर बेस है वर्ल्ड का, सबसे सेकेंड लार्जेस्ट यूजर्स इंटरनेट यूजर्स इंडिया में है, तो ये स्टेप्स लिए जाएंगे। तो यही है न्यूज़ आइटम्स। थैंक यू।